गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए आज हम आपकी कक्षा 8वीं के गणित विषय के अध्याय 11 चतुर्भुज की रचना भाग 2 इस पर बात करेंगे। बच्चों, हम एक बार बात करते हैं कि हमने प्रथम वीडियो में किन बिंदुओं पर बात की थी। तो हमने सीखा था चतुर्भुज की रचना करना जबकि उसकी चारों भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया हो। दूसरी स्थिति पे हमने बात की थी जब चतुर्भुज की रचना कीजिए जब हमें तीन भुजाएं और उसके दो विकर्ण दिए गए हों। आइए बच्चों, अब हम अगली स्थिति पर विचार करते हैं। तो हमारे इस वीडियो में हम देख पाएंगे कुछ ऐसे चतुर्भुज की रचना करना जब आपको चार भुजाएं और एक कोण दिया गया हो। तो बच्चों, आइए हम यहाँ इस प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा प्रश्न है समचतुर्भुज STUV की रचना करनी है जिसमें ST का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया है एवं एक कोण 60 अंश का दिया है और वह है कोण S। तो बच्चों, ऐसे विशेष चतुर्भुज की रचना हमें यहाँ पर करनी है। तो हमें समचतुर्भुज, जैसा कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा एक समान होती है बच्चों, अतः हमें यहाँ पर चार भुजाएं और एक कोण S बराबर 60 अंश दिया गया है। तो बच्चों, आइए हम रचना के जो चरण हैं उसे क्रमशः करते हैं। हमारा प्रथम चरण है बच्चों, सबसे पहले हमें एक रेखाखंड ST 4 सेंटीमीटर का खींचना होगा। तो यह हम स्केल रखते हैं। देखिए बच्चों, इस स्केल की सहायता से हम यहाँ 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ST खींचते हैं और यहाँ नामांकन कर देते हैं ST। इसकी माप 4 सेंटीमीटर है। अब हम प्रकार की सहायता से कोण S बराबर 60 अंश की रचना करते हैं। बच्चों, हम यहाँ पर चांदे का प्रयोग भी कर सकते हैं परंतु आप कक्षा 8वीं में हैं अतः आपको प्रकार की सहायता से 60 अंश के कोण का की रचना आना चाहिए। एक छोटी सी त्रिज्या लेंगे और कोण बिंदु S को हम केंद्र लेंगे। इस छोटी त्रिज्या का एक चाप हम इस प्रकार से काटते हैं। अब बच्चों, इसकी त्रिज्या को हम परिवर्तित नहीं करते। यह जो रेखाखंड ST और कोण के चाप के कटान बिंदु, इस बिंदु को हमने केंद्र लिया यहाँ नुकीली भुजा को रखकर, उसी त्रिज्या का हमने एक चाप और काटा। बच्चों, जहाँ दोनों चाप कट रहे हैं उस बिंदु को हम S से मिलाते हुए इस किरण को खींचते हैं। बच्चों, यह 60 अंश का की रचना है प्रकार की सहायता से। अब चूंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है अतः अब हम प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे। हमने ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या को लिया। अब इस प्रकार की नुकीली नोक को हम S को केंद्र लेंगे तथा यहाँ एक चाप काटते हैं जो कि इस किरण SP, यह किरण है SP, इस किरण को बिंदु V पर काट रही है। पुनः बच्चों,
समचतुर्भुज है, अतः हम इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या को नहीं बदलेंगे। अब हमें बिंदु V को केंद्र लेना है और 4 सेंटीमीटर का पुनः हम एक चाप काटते हैं। इसी प्रकार बिंदु T को केंद्र लेकर हम दूसरा चाप काटते हैं। अब बच्चों, ये जो दोनों चापों का कटन बिंदु है, इस कटन बिंदु को U नाम दिया। अब हम बिंदु T और U का मिलान करते हैं। पुनः बिंदु U और V को मिलाते हैं। इसकी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, अतः इन मापों को हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, यही हमारा अभीष्ट समचतुर्भुज STUV है। बच्चों, आइए अब हम चौथी स्थिति पर बात करते हैं। एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करनी है जब हमें उसकी 3 भुजाएं और 2 अंतर्गत कोण दिए गए हों। तो बच्चों, हमें एक ऐसा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, चतुर्भुज PQRS की रचना करनी है जिसमें PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 2.5 सेंटीमीटर, RS बराबर 4.1 सेंटीमीटर। बच्चों, यहाँ कोण Q का मान दिया है 75 अंश, जो कि एक न्यून कोण है, और कोण R का मान दिया है 120 अंश, जो कि एक अधिक कोण है। हमें पूर्ण चतुर्भुज की रचना करने के पश्चात उसकी भुजा PS को नाप कर उसकी माप को भी यहाँ बताना है। तो आइए बच्चों, हम क्रमशः रचना के पद देखते हैं और साथ साथ चतुर्भुज का निर्माण करते जाते हैं। सर्वप्रथम हम रेखाखंड QR बराबर 2.5 सेंटीमीटर खींचते हैं। यहाँ हमने रेखाखंड QR 2.5 सेंटीमीटर खींचा। इसका नाम हम लिख लेंगे बच्चों, QR 2.5 सेंटीमीटर। तत्पश्चात अब हमें यहाँ कोण Q बराबर 75 अंश बनाना है, जिसके लिए हम चांदे का प्रयोग करेंगे। Q बिंदु पर चांदे का यह केंद्र हमने रखा। बच्चों, इस चांदे पर हमें चांदे की इस भुजा में QR आधार रेखा मिल रही है, अतः हम शून्य की गणना यहाँ से प्रारंभ करेंगे और 10, 20, 30 से लेकर 70 तक पहुँचे। फिर 75 माप दी गई है, अतः यहाँ हम एक निशान लगा लेंगे। इस कोण Q की किरण QA को खींच लेते हैं। कोण की माप है 75 अंश। अब हमें इस बिंदु Q को केंद्र लेकर 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है। तो बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक चाप काटेंगे बिंदु Q को केंद्र लेकर। ये हमने यहाँ 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली है। बिंदु Q को हम केंद्र लेकर एक चाप काटते हैं, जो कि इस कोण की किरण QO को एक बिंदु पर काटता है, और चाप और इस किरण के कटन बिंदु को हम P नाम देते हैं। इसकी त्रिज्या हमने ली थी 3.5 सेंटीमीटर।
इसके बाद हमें पुनः बिंदु आर को केंद्र लेकर अब हम 4.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटेंगे। यहाँ हमने यह 4.1 सेंटीमीटर की यह त्रिज्या स्केल पर हमने सेट की है। बिंदु आर को हम केंद्र लेकर एक चाप काटेंगे 4.1 सेंटीमीटर का। अब हमारे पास कोण आर बराबर 120 अंश की रचना करना शेष है। तो बच्चों हमें पुनः चांदे का प्रयोग करना है। हम चांदे को बिंदु आर पर चांदे का केंद्र रखते हैं। अब आप ध्यान देंगे आपको आधार रेखा चांदे के बाईं ओर मिल रही है, अतः आप शून्य की गणना यहाँ से प्रारंभ करेंगे। 90 तक पहुँचे, 100, 110 और 120 अंश पर आप एक निशान लगाएंगे। बच्चों इसे मिलान करते हुए कोण आर 120 अंश की जो किरण है उसे हम खींच लेते हैं। यहाँ कोण की माप लिख लेते हैं। बच्चों इस किरण को हम आर बी नाम देते हैं। तो ये जो किरण है आर बी एवं चाप का जो कटन बिंदु है इसे हम नाम देते हैं एस। अब हम बिंदु P और S को मिला देते हैं जिससे प्राप्त आकृति हमें चतुर्भुज PQRS प्राप्त हो रही है और यही हमारी अभीष्ट चतुर्भुज है। अब हमारा अंतिम कार्य है कि हमें जो चतुर्भुज प्राप्त हुआ है उसकी भुजा PS को हम नापेंगे। नापने पर बच्चों ये हमें 3.7 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। बच्चों अब हम अगले चतुर्भुज की स्थिति पर विचार करते हैं। तो हमें एक ऐसा चतुर्भुज की रचना करनी है जब इसकी संलग्न केवल 2 भुजाएं दी गई हैं एवं 3 कोण दिए गए हैं, अर्थात कुल 5 अवयव तो हमें ज्ञात हैं, परंतु हम इसकी रचना कैसे करें। तो आइए देखते हैं बच्चों। हमारे इस चतुर्भुज में PQRS की रचना हमें करनी है जिसमें PQ का मान 4.5 सेंटीमीटर, QR का मान 5 सेंटीमीटर, कोण P बराबर 100 अंश, कोण R बराबर 75 अंश और कोण S बराबर 110 अंश हो। तो बच्चों हमारा यह जो चतुर्भुज है इस चतुर्भुज के निर्माण में हमें यह ध्यान देना होगा कि हमें PQ भुजा दी गई है और QR भुजा दी गई है, परंतु कोण Q का मान अज्ञात है और यदि हमारे पास कोण Q उपलब्ध नहीं है तो हम इस चतुर्भुज की रचना नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमारा पहला कार्य होगा हम चतुर्भुज के विशेष गुण का प्रयोग करें। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो बच्चों यहाँ पर कोण P, धन कोण Q, धन कोण R, धन कोण S इनका योग 360 अंश। क्रमशः हम दिए गए कोणों की मान रखते हैं और इसे समीकरण के द्वारा हल करके हम कोण Q अज्ञात कोण का मान ज्ञात करते हैं जो कि हमें 75 अंश एक न्यून कोण प्राप्त हो रहा है। आइए बच्चों अब हम इसकी रचना क्रमशः करते चलते हैं। सर्वप्रथम हम रेखाखंड PQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर की रचना करते हैं। बच्चों स्केल की सहायता से यहाँ आप निशान लगा लेंगे, उसके पश्चात इन दोनों निशानों को मिलाते हुए इस रेखाखंड की रचना आपको करनी है।
यह है रेखाखंड पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर। अब हम चांदे का प्रयोग करते हैं बच्चों, जहां हमें चांदे का प्रयोग करके कोण पी बराबर 100 अंश की रचना करनी है। तो बिंदु पी पर हम चांदे का केंद्र रखते हैं और यहां 100 अंश आप देख पा रहे हैं, यह पी क्यू जो है चांदे के लिए आधार रेखा मिल रही है। अतः हम यहां से शून्य की गणना प्रारंभ करते हुए 90 तक पहुंचेंगे। 90 के बाद यहां ये 100 हमें दिखाई दे रहा है। अब हम किरण मिला लेते हैं, कोण पी की किरण को मिलाते हैं। सौ अंश हमारा दूसरा कार्य है बच्चों, कोण क्यू बराबर 75 अंश की रचना करना है। तो हम बिंदु क्यू पर चांदे का केंद्र रखते हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं क्यू पी यह जो है आधार रेखा है। अतः हम यहाँ से शून्य की गणना करते हुए 70 तक पहुँचते हैं और फिर 5 और अर्थात 75 अंश की रचना करते हैं। बच्चों यहाँ भी हमें किरण मिलान करना है। यह हमने रचना की 75 अंश की। अब बिंदु Q को केंद्र लेना है एवं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटना है, जो कि इस किरण QB पर काटेगा। तो आइए हम देखते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटेंगे। देखिए हमने यहाँ इसे 5 सेंटीमीटर के लिए त्रिज्या के लिए प्रकार को सेट किया। बिंदु Q को केंद्र लें और एक चाप काटते हैं। चाप और किरण QB के कटन बिंदु को हमने R नाम दिया। यहाँ हमारी त्रिज्या थी 5 सेंटीमीटर। अब हमें इस शीर्ष R पर 75 अंश की रचना करनी है, कोण R बराबर 75 अंश। हम कैसे रचना करें बच्चों, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर चांदे को रखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। तो आप देखिए, यह जो QR भुजा है यह चांदे के लिए आधार रेखा है, इसलिए आप देखेंगे हमें शून्य की गणना यहाँ से प्रारंभ करनी है और आप 75 अंश पर एक निशान यहाँ लगा लेंगे। इस 75 अंश पर प्राप्त इस निशान को बिंदु R से मिलाते हैं। यह हमारा कोण 75 अंश बना, कोण R बराबर 75 अंश। अब यह जो किरण है इसका नाम हम RC किरण लेते हैं। तो किरण RC तथा किरण PA का जो कटन बिंदु है इसे हम S नाम देंगे और यहाँ जो हमें प्राप्त आकृति है यही हमारा अभीष्ट चतुर्भुज PQRS है। बच्चों हमने इस वीडियो द्वितीय भाग में यह देखा कि हमने 3 प्रकार की स्थितियों पर रचनाएं की और इनसे संबंधित मैं कुछ प्रश्न यहाँ आपको गृह कार्य के लिए दे रही हूँ। बच्चों आप इन प्रश्नों को अपनी पुस्तक की प्रश्नावली 11.3, 11.4 और 11.5 में भी देख सकते हैं। बच्चों ऐसे चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है जिसमें 3
और चार भुजाएं और एक कोण दिया गया है। जब दो भुजाएं, दो कोण और एक और भुजा दी गई है। तत्पश्चात आप तीसरे प्रश्न में देख पाएंगे बच्चों, दो भुजाएं और तीन कोणों की माप आपको दी गई है। आप इन मापों के आधार पर चतुर्भुजों की रचना कीजिए। रचना के पद क्रमशः लिखिए और यदि कहीं कोई समस्या है तो आप अपने शिक्षकों से चर्चा कीजिए, उनसे सलाह लीजिए और अपने गृह कार्य को अपनी कॉपियों में पूर्ण कीजिए। बच्चों, एक विशेष आग्रह मैं आपसे यह भी करना चाहती हूँ कि आपके पुस्तकों में जो उदाहरण दिए गए हैं इस पाठ के, उन उदाहरणों के प्रश्नों को भी आप अपनी कॉपी में लिखकर स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर पाएंगे और इन रचनाओं को बनाने में सफल होंगे। धन्यवाद बच्चों।